तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक है जिनकी कर्ज अदा हम भारतवासी शायद ही कभी कर पाएंगे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। बोस एक संभ्रांत परिवार से थे, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारत प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए और उन्होंने उस समय प्रशासनिक सेवा में 4th स्थान हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, 1919 में अंग्रेजों द्वारा निर्मम जालियांवाला बाग नरसंहार को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस का मन व्यतीत हो गया था और उन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा को छोड़कर भारत में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा होने के लिए भारत वापस आए। दोस्तों, भारत वापस आकर सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देश अनुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया और उनको अपना गुरु माना। अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम से भली भांति वाकिफ थे, इसलिए उन्हें वो बार बार जेल भेजा करते थे। बंगाल अधिनियम के अंतर्गत 1 साल की जेल कारावास में रहने के बाद सुभाष चंद्र बोस यूरोप जाते हैं। यूरोप जाने के बाद वे भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों को अपना केंद्र के रूप में स्थापित किए। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भारत लौटने पर प्रतिबंध था, उसके बावजूद 1938 के हरिपुर अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का नीति गांधी जी से थोड़ा भिन्न था। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से चलना चाहते थे, पर बोस का मानना था कि आजादी की कीमत केवल खून ही चुका सकती है। इसी तरह 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी और इसके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस को भी कारावास में डाल दिया गया। बाद में उन्हें अपने ही घर में अंग्रेजों ने नजरबंद कर लिया था। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और वो अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उस वक्त जर्मनी का शासक हिटलर था। उन्होंने जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह और भी बढ़ गया था। वर्ष 1943, वो जर्मनी से सिंगापुर आकर पहुंचे, जहां पे उन्होंने राजबिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान अपने ऊपर लिया। उन्होंने वहां पे आजाद हिंद फौज का गठन किया और ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। उसके बाद से फौज ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पाला भारी पड़ा, फौजों को पीछे हटना पड़ा था। आजाद हिंद रेडियो पर नेताजी ने अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कहा। उसी के साथ आजाद हिंद फौज उन्होंने क्यों गठन किया और जापान और जर्मनी से उन्होंने क्यों सहायता लिए, उसका भी वर्णन किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में
सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु इस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और कई लोगों का मानना है कि वो उसके बाद से एक गुमनाम जिंदगी बिताई।